हेलो स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यूज़ को कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो कई तरह की सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोजेनस टिश्यूज़ और ये टिश्यूज़ क्योंकि अलग अलग तरह की सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो ये सेल्स मिलकर के एक कॉमन यूनिट की तरह काम करती हैं और टिश्यू के फंक्शन को अचीव करती हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर एबसेंट इन गेमिटोफाइड्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं कंडक्शन से कंसर्न होते हैं हेंस दे आर आल्सो एज वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज चलिए देखते हैं कि कितनी तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज या वेस्कुलर टिश्यूज अवेलेबल हैं प्लांट्स के अंदर इफ यू ऑब्जर्व दीज वेस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स जाइलम एंड फ्लोएम और ये अलग अलग तरह की सेल से मिलकर के बने हुए हैं अकाउंट ऑफ जाइलम हम जाइलम को ऑब्जर्व करें तो ये बना हुआ है ट्रैकेट से वैसल से इसके अलावा जाइलम फाइबर्स यहाँ पर अवेलेबल है और जाइलम परन भी इसे कॉन्स्टिट्यूट करती है आउट ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड एलिमेंट वेर जाइलम परनकाइमा इज द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम हैंस आई कैन से कि जाइलम जो है वो एक डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ऑन द कॉन्प्ररी अगर हम फ्लोएम को ऑब्जर्व करें तो फ्लोएम जो है बना हुआ है सी ट्यूब एलिमेंट से कंपेनियन सेल्स यहाँ पर अवेलेबल है फ्लोएम परन्काइमा यहाँ पर अवेलेबल है और साथ में फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर्स जो है वो हमें प्राइमरी फ्लोएम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं ये तो हमें सेकेंडरी फ्लोएम में ही ऑब्जर्व होते हैं पर ध्यान दीजिएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम परनकाइमा आर लिविंग एलिमेंट्स वेर एज फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली डेड एलिमेंट इन द फ्लोएम आई कैन से कि फ्लोएम जो है वो एक मेनली लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू है नाउ वी गोइंग टू द विदायलम हम अगर जयलम को ऑब्जर्व करें तो जायलम जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है रूट uh, से लेकर के स्टेम की और लीव्स की और तो हम कह सकते हैं कि uh, जो जायलम होता है वो वाटर मिनरल के कंडक्शन से कंसर्न है और यहाँ कंडक्शन जो है वो रूट से स्टैम लीव की और हुआ है ताकि कंडक्शन जो हुआ ट्रांसलोकेशन जो हुआ है यहाँ पर वो यूनी डायरेक्शनल होता है जाइलम जो है वो प्लांट बॉडीज़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है हम अगर ऑब्जर्व करें जाइलम के फॉर्मेशन को कि किस तरीके से जाइलम का फॉर्मेशन हुआ है ऑरिजन हुआ है हमें जाइलम दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। अगर आप ऑब्जर्व करें रूट की टिप को तो यहाँ पर सबसे आगे की और अवेलेबल है ये रूट कैप क्योंकि अपने पीछे की और अवेलेबल इस मरिस्टमैटिक रीजन को या कह लीजिए रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी को प्रिजर्व करती है यहाँ पर थिम्बल की तरह काम करते हुए रूट कैप इसको सेव करती है ताकि लगातार यहाँ पर होते हुए डिवीजन पीछे की और प्लांट बॉडी का प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सके यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम अवेलेबल है हालांकि ऐसा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर नहीं होता लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कुछ सेल्स जो हैं रेफर्ड एज प्रो कैम्बियम ये पीछे की और डिवाइड करके कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और यही सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं इंटू वेरियस एलिमेंट्स प्रोकेमियम एक्चुअली डिवाइड करके जिन सेल्स का फॉर्मेशन करती है वो पीछे की ओर जाइलम और, और फ्लोएम को डेवलप करते हैं जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन कर देते हैं हम इस प्रोसेस को डिफ्रेंसीशन कह सकते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम बने हुए हैं हैंस आई कैन से इवेंट इज़ वेस्कुलराइजेशन चलिए समझते हैं यहाँ पर तो प्रोकेमियम ने डिवाइड किया पीछे की ओर जाइलम और, और फ्लोएम का फॉर्मेशन कर दिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ जाइलम की तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जाइलम का फॉर्मेशन हुआ है और क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम से बना है जो कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम है और उससे बनने वाला टिश्यू रेफर एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो यहाँ पर जो आप जाइलम देख रहे हैं ये एक प्राइमरी जाइलम है हम अगर अंदर की ओर देखें तो ये रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है अंदर की ओर हमें यहाँ पर मेटाजायलम देखने के लिए मिलता है इसके कि ब्रॉड वेसल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं ब्रॉड ट्रैकिर एलिमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं और बाहर की ओर अवेलेबल है फ्रोटोजायलम प्रोटोदलम में टम्परेटिवली हमें नैरो एलिमेंट्स देखने के लिए मिल रहे होते हैं हालांकि प्रोटोधालम का फॉर्मेशन मेटा से पहले होता है तो पहले प्रोटोधालम उसके ठीक बाद हम कह सकते हैं कि मेटाथैलम का फॉर्मेशन हो रहा होता है एंड लेटर इन द प्लांट ग्रोथ जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है प्लांट को अपनी गिर्स इंक्रीज करनी होती है उस वक्त जो जैलम बनता है रेफर्ड एज सेकेंडरी जालम सेकेंडरी जैलम में क्योंकि जैलम का फॉर्मेशन जो है वो uh, सेकेंडरी मेरे हुआ है इट इज एज सेकेंडरी सेकेंडरी हैम में हमें प्रोटो और मेटा वाला जो डिस्टिंगशन है वो ऑब्जर्व नहीं होता है लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ जैलम चलिए एक स्मॉल सा पार्ट हम इसे यहाँ से कट करके अगर मैग्नीफाई करके देखें तो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि जैलम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं चलिए वन बाय वन इनको एनालाइज करना इनको स्टडी करना शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट कम्स ही हम ट्रैकेट को ऑब्जर्व करें तो ये हमें यूनिसेलर देखने के लिए मिलती है एक्चुअली प्रोकेमियम की जो सेल्स थी जिन्होंने डिवाइड करके फॉर्म किया था शुरुआती सेल्स का वो अपने आप को इलांगेट करती हैं और उनके अंदर की और लिग्निफिकेशन हो जाता है लिग्निफिकेशन की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है तो ट्रैकिट जो है एक सेल से बनी है तो तीस ट्रैकिट आर यूनिसर और अंदर की और लिग्निफाइड वॉल अवेलेबल है अकेले लिए लिग्निफाइड वॉल यहाँ पर होने की वजह से हमें ये डेड ऑब्जर्व होती हैं अंदर कोई साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है अंदर तो ल्यूमेन प्रेजेंट होती है हम बाहर से देखें तो हमें यहाँ पर टैपरिंग एंड देखने के लिए मिलते हैं या चीजें लाइक एंड्स देखने के लिए मिल रहे होते हैं यहां पर लिग्निफिकेशन का वो एरिया जहां पर की कह लीजिए लिग्निफिकेशन नहीं हुआ दीज से

में ही देखने के लिए मिल जाती है ये शुरुआती कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जो इवोल्यूशन में हमें टाइडोफाइट्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं अगर मैं यहाँ से इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन कट करके ऑब्जर्व करूँ तो हम देख पाते हैं कि इसके अंदर एक नैरो ल्यूमन अवेलेबल है लिग्निफाइड वॉल आप यहाँ पर देख सकते हैं और जहाँ पर लिग्निफिकेशन नहीं हुआ वहाँ पर पिट्स आर विजुलाइजेबल आप उन्हें ऑब्जर्व कर ही सकते हैं हम यहाँ पर देखें तो ऑब्लिक एंड वॉल यहाँ पर भी प्रेजेंट है लेकिन इस ऑब्लिक एंड वॉल में पिट्स होते हैं बीइंग मोर स्पेसिफिक हमें यहाँ पर बॉर्डर्ड काइंड ऑफ पिट्स हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं हमने यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ डिपोजिशन लिया है वो है पिटेड वन हाँ इसके अलावा आप अंदर की ओर देखें तो लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो रिंग बनाते हुए हो सकता है हम कहेंगे एनुलर इसके अलावा स्पायरल ही हो जाए तो हम बोलेंगे स्पायरल जो कि हमें प्रोटोसाइलम में देखने के लिए मिल जाता है इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कैरिफॉर्म भी हो सकता है सीढ़ी की तरह यहां पर डिपोजिशन हो जाए लिग्निफिकेशन हो जाए इसके अलावा अगर हम देखें तो जाली की तरह रेटिकुलेट पैटर्न बनाते हुए भी अंदर की और लिग्निफिकेशन हो सकता है और जो लास्ट में आता है वो है पिटेड वन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया जो है वो लिग्निफाइड होता है लेकिन कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं वॉल पर जहाँ पर कि डिपोजिशन नहीं होता है एंड दीज एरियाज आर नोन एज पिट्स एंड सच काइंड ऑफ डिपोजिशन इज नोन एज पिटेड काइंड ऑफ डिपोजिशन तो ट्रैकेरी एलिमेंट में अगर देखें सबसे एलिमेंट प्रिमेटिव कौन हुआ ये हमारे ट्रैकिट्स हो जाते हैं दूसरा एलिमेंट जो सामने हमारे आता है वो है चलिए को यहां से अब ऑब्जर्व करते हैं अब अगर वैसल को ऑब्जर्व करें तो वैसल जो है वो एडवांस ट्रेकरी एलिमेंट है अगर मैं इनके एग्जिस्टेंस की बात करूँ तो ये सभी ट्रेक्यो में अवेलेबल नहीं है हम मेनली इन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं एनजीओ के अंदर हाँ कुछ जिम्नोसपम्प भी हैं जिनमें कि हमें ये देखने के लिए मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल नीटम है एफेड्रा है वेलवेचिया है ऑन द कॉन्ट्री ऐसा नहीं है कि सभी एन जी ओ में वैसल्स मिलती हैं देखने के लिए यक्का है रसीना है ट्रोकोडेंड्रेसी है विंट्रेसी है इसके मेंबर्स में भी हमको वैसल्स ऑब्जर्व नहीं होती हैं सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि सभी एन जी में वैसल्स अवेलेबल नहीं हाँ मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एन जी वैसल्स एंड वेरी फ्यू और सम जो हमारे जिम्नोस्पम्स हैं उनमें भी हमें वैसल्स देखने के लिए मिल रही होती है अगर हम वैसल के फॉर्मेशन की बात करें तो कई सारी सेल्स जो हैं एक एक के ऊपर एक अरेंज हैं और उन्होंने यहाँ पर लिग्निफिकेशन कर लिया लिग्निफिकेशन हुआ तो सेल जो है वो डेड हो जाती है जहाँ जहाँ पर लिग्निफिकेशन नहीं होता है वहाँ पर आप पिट्स को ऑब्जर्व कर ही सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें कंपेरेटिवली एक ब्रॉड ल्यूमन ऑब्जर्व होती है आप कंपेयर कीजिएगा इसको टैकेट से यहाँ पर एक ब्रॉड ल्यूमन प्रेजेंट होती है अगर फॉर्मेशन की बात करें या स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखें तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो अवेलेबल वैसल है एक बिल्कुल ट्यूब की तरह काम करती है और ब्रॉड ल्यूबर है तो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ वाटर को ये कंडक्ट कर पाती है अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक कुछ टुकड़ों में आप देख सकते हैं कि बनी हुई एन ईच एलिमेंट इज रेफर्ड एज वैसल एलिमेंट हर एक वैसल एलिमेंट जो है वो यूनिसेलर है और ऐसे कई सारे वैसल एलिमेंट मिलकर के एक वैसल का फॉर्मेशन करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वैसल जो है कई सारे डेड सेल से मिलकर के बनी हुई है हेंस आई कैन से कि इज अ डेड डेड सिंसाइट ऐसी सेल का ग्रुप है जिसमें कई सारी सेल्स मिलकर के फॉर्म कर देती हैं आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पर एंड वॉल भी अवेलेबल है इन एलिमेंट्स के बीच में एंड वॉल में दो तरह के परफोरेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं या तो एक कॉमन पोर यहां पर बन जाए तो हम कहेंगे सिंपल परफोरेशन या बहुत सारे पोरद बोलते हैं मल्टीपल परफोरेशन तो दो तरह के परफोरेशन जो है हमें देखने के लिए मिलती है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड है लेकिन हमें ट्रैकिट्स में एंड वॉल जो है वो पिटेड देखने के लिए मिलती है थोड़ा तो सा डिफरेंस हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है देन कम्स अप इसके अलावा जो नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं हमारे पास रेफर एज फाइबर्स फाइबर काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं ट्रैकिट्स के साथ यहाँ पर अवेलेबल जो ये एलिमेंट्स हैं आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर भी टैपरिंग एंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जहाँ जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हुआ पिट्स भी यहाँ पर हैं ये हमेशा ग्रुप में मिलेंगे आपको देखने के लिए ट्रैकेट भी ग्रुप में ही होती है लेकिन ये भी ग्रुप में ही देखने के लिए मिलते हैं और कंपेयर करूँ मैं इनको ट्रैकेट के साथ तो यहाँ पर आपको ल्यूमिन और भी नैरो देखने के लिए मिलती है आई किन से साइलम फाइबर में जो ल्यूमिन होगी वो आपको वेरी नैरो ऑब्जर्व होती है ट्रैकिड में नैरो कह सकते हैं और वेसल में तो ब्रॉड ल्यूमन हमको ऑब्जर्व होती है ऐसा हम स्टेट यहाँ पर कर सकते हैं जो जयलम फाइबर्स होते हैं ये ट्रैकिड और वेसल के साइड में प्रेजेंट होते हैं और उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं तो एक्चुअली ग्रुप में अरेंज होंगे ट्रैकिड्स और वेसल के आसपास और उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं देन कम्स अप जो इनके अलावा एकमात्र लिविंग एलिमेंट यहाँ पर रह जाता है देन कम्स अप इज़ इजलम परमा न कायमा अगर हम प्राइमरी दलन को ऑब्जर्व करें जो कि हम देख रहे हैं एक्चुअली तो उसमें नीचे से ऊपर की ओर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली अरेंज प्लांट की एक्सेस के साथ अवेलेबल है एक्सियल परन कायमा ये अंदर से बाहर की ओर रे प्रन कायमा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं जो कि बाद में आपको मिलेंगी देखने के लिए लेकिन हाँ स्ट्रक्चर एक जैसी हमको देखने के लिए मिलती है आप यहाँ पर देखें तो इनमें न्यूक्लियस अवेलेबल है दे आर लिविंग दे हैव साइटोप्लाज्म और अंदर की ओर देखें तो वैक्यूल भी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर स्टोर्ड फूड स्टोर्ड मटीरियल्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं स्टार्च यहाँ पर है फैट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होता है इसके अलावा टेनिंस जैसे कंपाउंड भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं चलिए आप लोगों ने जो स्टडी किया है उस पर बीस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट विचम एलिमेंट इज लिविंग वैसल ट्रैकेट फाइबर परन्नकाइमा जैलम परन कायमा आर लिविंग वन बाकी जो है वो डेड एलिमेंट्स होते हैं आंसर गोज फोर्थ परन कायमा क्वेश्चन नंबर टू स्टेट्स दैट ये कहता है कि वैसल्स आर फाउंड इन आर दे प्रजेंट इन ऑल एन एंड इन ऑल जिम्नोसपम नॉट सो They are present in most of the angiosperms and few gymnosperms. Yes, very much true. They are present in most of the angiosperms and few gymnosperms. Yes, very much true. All angiosperm, all gymnosperm and some teidophytes, sorry, kisi bhi mein vessels nahi hote All teidophytes have them? No, sorry. So, answer goes number two. Most of the angiosperms and few gymnosperms has vessels in their xylem. Question number three states that, ये कहता है कि द ट्रैकेट्स डिफर फ्रॉम वेसल्स इन हैविंग क्या ऐसा फीचर ट्रैकिट में है जो कि उन्हें वेसल से अलग कर देता है लिग्निफाइड वॉल तो दोनों में ये सिमिलरिटी तो की बात हो गई पिट्स दोनों में ही अवेलेबल हैं तो सिमिलरिटी की बात हो गई साइटोप्लाज्म न तो वैसल में होते हैं ना ही ट्रैकिड में होते हैं ट्रैकिड में भी नहीं है ट्रैकिड के फीचर की बात की जो उसमें होना चाहिए ध्यान दीजिएगा प्रेजेंस ऑफ पिटेड एंड वॉल ये हमें ट्रैकिड में देखने के लिए मिलती है वैसल में ऐसा नहीं होता है थर्ड प्रेजेंस ऑफ पिटेड एंड वॉल क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टेट्स दैट ये कहता है कि वेसल्स आर वेसल्स क्या हैं हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स भी मिली हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दे रही हैं वेसल्स का दे आर यूनिसेलर नो ट्रैकेट्स आर यूनिसेलर दे आर लिविंग सिंसाइट नो दे आर नॉट लिविंग सिंसाइट दे आर डेड सिंसाइट यस वेसल्स आर डेड सिंसाइट हैंस आंसर गोज नंबर थर्ड दे आर डेड सिंसाइट थैंक यू